भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला आज हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनिंग करने आए शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन ये शुरुआत काफी लंबी नहीं चल सकी। मात्र 34 रन बनाकर रोहित शर्मा चलते बने, लेकिन वही दूसरे छोर पर शतक वीर शुभमन गिल डटे रहे। रोहित शर्मा के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली, लेकिन वो भी गिल का साथ नहीं निभा पाए और मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए। विराट के बाद ईशान किशन ने भी अपना विकेट जल्द ही खो दिया और मात्र 5 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद जिम्मेदारी आई मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव और उपकप्तान हार्दिक पांड्या पर, लेकिन ये दोनों भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। सूर्य कुमार ने 31 रन और पांड्या ने 28 रन की पारी खेली। वहीं दूसरे छोर पर भारत के युवा हथियार शुभमन गिल डटे रहे और 208 रनों की शानदार पारी खेल डाली। शुभमन गिल ने 208 रनों की दोहरी शतक की पारी में 19 चौके और 9 छक्के जड़े। इस पारी के दम पर गिल ने इस मैच में कई कीर्तिमान भी रचे। आइए नजर डालते हैं गिल द्वारा बनाए कीर्तिमानों पर। इस मैच में शुभमन गिल ने कोहली, धोनी और गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा। गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रनों की तूफानी पारी खेली। सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी गिल ने अपने नाम किया। सबसे कम उम्र में ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज भी शुभमन गिल बन चुके हैं। दोहरा शतक जड़ने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल बन चुके हैं। वहीं बात गेंदबाजी की करें तो न्यूजीलैंड की ओर से डैरिल मिशेल और शिपले ने सबसे अधिक 2-2 विकेट झटके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।